जी क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। ये कैसी रैली है, क्या है प्रोग्राम? ये जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई और मंदिरों के जो हमला हो रहा है उसके लिए हमारे जो काशी के लोग हैं आज वो जाग गए हैं। वो बनारस एक ऐसा शहर बना है जो सनातन संस्कृति ने सिद्ध कर दिया है कि भारत के विश्व के कोने में कोई भी अगर हमला होगा हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ हम ईंट से ईंट बजाएंगे। और आज तेज बारिश में भी जनता सड़कों पर है, ये एक शुभ संकेत है सनातन और सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आज किसी जो भी लोग हैं, चाहे संत हो, महात्मा हो, नागरिक हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लोग आए हैं। ये खुशी का पल है हमारे लिए कि हिंदू एक है। जी, आज क्या कहेंगे सर? जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ विफलता हो रही है आज उसी के क्रोध में ये हिंदुस्तान से काशी से एक मैसेज जा रहा है कि देश की दुनिया देखे किस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको बंद किया जाए। सहारे जिस प्रकार से वहाँ पर बांग्लादेश में विफलता हिंदुओं के साथ हुई है ये पूरे देश में पूरे विश्व ने देखा है, लेकिन आज तक किसी ने आवाज न उठाने की साहस नहीं की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब हिंदू जाग रहा है और इस प्रकार की जी क्या कहेंगे आज जो है? दुनिया में बहुत जगत में बहुत समाज का तरफ से बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध मानव समाज का अत्याचार के खिलाफ में हम लोग पूरा विरोध कर रहा है और ये अनुरोध कर रहा है कि अत्याचार और बलात्कार और हिंसा बंद करने के लिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेंद्र। कैसी रैली निकाली है, क्या है? हम लोग आज हिंदुओं का जो बांग्लादेश का अत्याचार उसके विरोध में आक्रोश रैली है। ये रैली कहाँ से कहाँ जाएगी? रैली का महत्व क्या है? रैली को हिंदुओं को जगाना है, हिंदुओं को एक करना है। पूरे विश्व में कहीं भी हिंदू हो, पूरे भारत में कहीं, पूरे दुनिया में कहीं भी हिंदू हो, सबको एक करना है, अत्याचार के खिलाफ सबको बोलना है।